क्यों दिशा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? आई विल किल हिम, मार डालूंगा मैं उसे। उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। आई विल किल हिम। इंदर, मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी की है। झूठ बोल दिया तुम, झूठ। उसने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। दिशा, तुम आज तक मुझे नहीं समझ पाई, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं। उसने तुम्हें मजबूर किया है इस घर के कागजात के लिए। मुझे मालूम, उसने जरूर कहा होगा कि वो तुम्हें इस घर के कागजात दे देगा अगर तुम उससे शादी करोगी। मैं जानता हूं। अरे कह रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने ही कहा था मुझे आपसे शादी करनी है, और उन्होंने मना नहीं किया। अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। मत जाओ दिशा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुक जाओ ना। मुझे अपने पति के घर जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? नहीं जाइए, मुझे दिशा की भीख। लौटा दे पेपर्स। तय पेपर से लौटा देंगे, लेकिन उसके बाद ये घर छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? कहीं भी रहेंगे, इतनी बड़ी दुनिया है। अनुपम भाई सबके गेस्ट हाउस में रहेंगे, लेकिन दिशा का दिया हुआ मुझे तिनका भी नहीं चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपके इस फैसले में मैं और मेरा परिवार बिल्कुल शामिल नहीं है। आप चाहे तो इस खुले आसमान के नीचे या किसी रिश्तेदार की दया पर कहीं भी रह सकती हैं, लेकिन मैं और मेरा परिवार ये बेइज्जती कभी सहन नहीं करेंगे। हम यही रहेंगे। सुकन्या, तुम ये क्या कह रही हो? आज तुम्हारे लिए ये छत मेरे स्वाभिमान से ज्यादा बड़ा है। बाबा, बाबा इसे समझाइए ना, आपके बेटे नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी, लेकिन प्लीज भोसले परिवार की इज्जत को इस तरह अपमानित मत कीजिए। एक नौकर की बेटी के एहसान के तले मैं दबकर जीना नहीं चाहती। देखा तुमने, तुम्हारे जाते ही अपने पराए हो गए। पता नहीं किस्मत में आगे क्या क्या लिखा है। चलो गौतम, हम ये फाइल दिशा को लौटा देंगे। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये पैसा क्यों नहीं सोचती? जिस नौकर के बेटी को आपने और दादा ने इतना बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, इतना सारा पैसा खर्च किया, वो सारा पैसा आज उस बेटी ने आपको वापस दिया है। और तई, आप भी मेरी बात मान लीजिए, आप भी यही रहिए। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। काकी को ये पेपर्स देने थे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया।
मर्जी से शादी की है, मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे अपने पति के घर जाने से रोकने वाले तुम कौन हो? आपको पता है आपस में क्या चर्चे हो रहे हैं? सब कह रहे हैं कि आपने दिशा से शादी कर ली है। इट्स सो फनी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप और दिशा, वाह क्या जोड़ी है, आपको ऐसा फनी नहीं लगता सर? फालतू की बातों में टाइम मत वेस्ट करो, अपने काम पे समझे, शूट की तैयारी करो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुमने पेपर्स क्यों वापस कर दिए? तुम जानते नहीं या मेरे मुंह से सुनना चाहते? मेरी बात का जवाब नहीं जानते। मैंने तुमसे पूछा तुमने पेपर्स क्यों वापस कर दिए? क्योंकि दिशा ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। उसने खुद आकर मुझे शादी का प्रस्ताव दिया तो मैं क्या करता? तन मन धन से जब उसने अपने आप को मुझे सौंप दिया, मेरा भी तो उसकी तरफ कुछ फर्ज बनता है ना, आखिर उसका मायका मेरा भी तो कुछ लगता है ना, या ससुराल। लेकिन तुम क्यों दिशा के नाम का गाना गा रहे हो? कहीं तुम्हें भी उसने प्रपोजल तो नहीं दिया? दिशा के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिशा मेरी ब्याहता पत्नी है, दिशा मेरी ब्याहता पत्नी है, समझे तुम? उसके गले में मैंने मंगलसूत्र डाला है, इससे उसने मुझे हक दिया है कि मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूं, समझे तुम? और एक बात बता दूं, उन कागजात के बदले दिशा को भी मिस्टर विजेंद्र पोस्टर के घर की एक एक ईंट की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डीके बगैर किसी फायदे के खैरात भी नहीं बांटता। शादी तो दूर की बात है, क्या हुआ हैरान हो गए? मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओ। बताओ, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन एक बात याद रखना कि डीके सौदागर है, दानवीर नहीं। यहाँ कुछ खोगे तभी कुछ मिलेगा। एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो? मैं दिशा नहीं जो तुम्हारे सामने सब कुछ हार जाऊंगा, मैं इंदर खोसला, इंदर खोसला। मैं सब कुछ हार सकता हूं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। देखते हैं क्या होता है, आज दिशा आई है, कल तुम आओगे। ऐसा क्यों होता है कि हम जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख दे बैठते हैं? प्लीज इंदर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बट प्लीज बिलीव मी, दिल तुम्हारा टूटा है लेकिन जख्म मेरे दिल पर हुए हैं। बस फर्क इतना है कि मुझे अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराना होगा। बीबी जी, आपको मंदिर की कमी खल रही थी ना? मैंने मंदिर को सजा के उसमें आपके बप्पा की मूर्ति रख दी है, अच्छा किया ना? थैंक यू काका।
मैं सुकन्या की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि उसकी बातों से आपको कितना दुख पहुंचा होगा। आप तो जानती हैं कि उसे ये नहीं पता कि उसे कौन सी बात कब और कहां कहनी है, अकल ही नहीं है उसे। नहीं है नहीं, मुझे सुकन्या की बातों का बुरा नहीं लगा। उसने जो कुछ भी कहा उसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी नसीब की है जिसने दूसरों की खुशी को मेरा गम बना दिया। मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। बीबी जी, बीबी जी। हाँ, क्या हुआ बीबी जी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर खाना खा लीजिए ना बीबी जी, अभी थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं, फिर आप कुछ नहीं खा पाएंगी। ये करवा चौथ का व्रत भी बहुत कठोर होता है बीबी जी, फिर आपने तो शाम से कुछ नहीं खाया है। आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी ना बीबी जी? कल करवा चौथ है। हाँ, आपको नहीं मालूम, वैसे साहब को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए अगर आप व्रत ना भी रखना चाहें तो कोई बात नहीं। छत पर चलते हैं। छत पर? हाउ रोमांटिक। ओह, तुम थोड़ी देर चुप बैठो। आज करवा चौथ है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा। यानी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? पानी तक नहीं पिया। दिशा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी दिशा? जरूरत है ना इंदर, तुम नहीं समझोगे। अच्छा एनीवेज, अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं। उफ़ बुद्धू, रेस्टोरेंट में नहीं, चांद को देखकर खाना खाना है, चलो ना। चांद तो कब का निकल रहा है? तो छोड़ो ना मुझे, चलते हैं। तुम उस चांद की बात कर रही हो जो सबके लिए है, और मैं उस चांद की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जब मेरे सच्चे मन से किसी के लिए व्रत रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बेईमानी से ऐसा करने से बीकी को क्या फायदा हो सकता है? और कम से कम ऐसा करने से मैं उसे परेशान तो कर सकूंगी। मैं भी ये व्रत रखूंगी। आपकी सास तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आपके व्रत का इंतजाम करता हूँ। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने तुम्हें भी नहीं बताया ना, बताकर होता भी क्या, तुम भी मुझसे बात करना बंद कर देते, है ना? किससे बातें कर रही थी बेटा? क्या बातें कर रही थी? अपने बारे में। मम्मा, लगता है कि डैडी भी मुझसे नाराज हो गए, बात ही नहीं करता, दी की तरह हो गया है। लगता है मुझे छोड़कर जाना चाहता है। तुमने खाना भी नहीं खाया, अजूबा पूछ रहे थे। मेरा मन नहीं कर रहा था मम्मा, और वैसे भी नाश्ता इतना कर लिया था कि भूख नहीं रही। सा खा लेना बेटा, मेरा मन नहीं है मम्मा, आप आराम कीजिए, जब मुझे भूख लगी मैं खुद खा लूंगी। ठीक है। मैंने ये बात किसी से नहीं बताई है इंदर, दी से भी नहीं। न जाने कब से मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ के व्रत रखते आ रही हूं, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं? मैं डरती थी इंदर,
अगर तुम मुझे नहीं मिले तो इसलिए तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मैंने आज भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है और आज तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे यकीन है तुम जरूर आओगे। नहीं आए बीबी जी। बीबी जी आप खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। वैसे भी अगर साहब आ भी गए तो भी आपको अपने आप ही उपवास खोलना होगा। मैंने कहा था ना आपसे, साहब को ये सब पसंद नहीं है। इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ बाबा, ताकि डीके की तकलीफें शुरू हो जाएं। और शुभ काम की शुरुआत हमेशा शुभ दिन से ही होनी चाहिए और उसे भी यहाँ आना। थैंक यू सो मच डीके, यू डिडंट लेट मी डाउन। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे घर पर आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तुम्हें तो ये साड़ियाँ पसंद नहीं थी। हाँ पसंद तो नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पसंद को बदल तो सकती हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली ये साड़ी पहनी है। लेकिन ये साड़ियाँ वाड़ियाँ तुम्हें सूट नहीं करती हैं, ये सब चीज़ें दिशा को ज़रा शोभा देती हैं। मैंने कहा था तुम्हें मेरा आज मूड ठीक नहीं है। और अब मेरा भी मूड खराब कर दिया। आज का दिन इतना शुभ है। क्या आज का दिन, आज का दिन आखिर है क्या? आज का दिन आज करवा चौथ है। एक पत्नी अपने पति के लंबे उम्र के लिए ये व्रत रखती है। तुम्हारी दिशा तो तुम्हारे लिए व्रत रखेगी नहीं, और मैंने सोचा इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता कौन है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा। सुबह से ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है। चलो अब मुझे जल्दी से एक ड्राइव पर ले चलो, चांद दिखाओ और मेरा व्रत खोलो। सॉरी बेब्स, आई एम गोइंग होम। जब बाप बनेगा ना तो पता लगेगा कि जब बेटा आंखों के सामने नहीं होता है तो बाप कितना परेशान होता है। विजेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है मन में एक डर सा बैठ गया है। कहां हो बेटा, कहां हो? अगर डीके साहब को पता लग गया कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है तो वो बहुत नाराज होंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप उनकी तस्वीर देखकर खाना खा लीजिए। आखिर कब तक भूखी रहेंगी आप? डीके की तस्वीर देखकर तो मैं उपवास नहीं तोड़ूंगी, लेकिन डीके को मुझसे और रीति रिवाजों से नफरत भी है, वो मेरा करवा चौथ का उपवास नहीं खुलवाएगा। डीके से वही सब तो करवाना है जो वो नहीं करना चाहता, जो उसे पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि डीके खुद मुझे अपने हाथों से पानी पिलाए और फिर खाना भी खिलाए, तभी तो होगी मेरी और मेरे बाबा की जीत। मैंने कहा था ना बीबी जी साथ नहीं आएंगे। लगता है साहब आ गए, आप उनको देखकर ही उपवास खोलिएगा। आप रुकिए काका, मैं देखती हूँ। एक बार मैंने लोगों से कहा है कि मुझे दरवाजे के बाहर इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सब लोग मर गए हैं क्या? देव, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आप फिर से बेल बजा दीजिए। दिशा मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो बीवियां भी जो रात को अपने हस्बैंड के आने का वेट करती हैं, समझी तुम? क्या बात है, आपका हाथ ठीक है या नहीं? अगर आइंदा बीवी जी को दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? बीवी जी, साहब, बीवी जी, साहब।